थोड़ा इन झाड़ियों के अंदर चलते हैं, एक बार देखते हैं कि शायद हम अंदर जा सकते हैं क्या। यहाँ पे आराम से आना भाई, देखो पूरा गोल गड्ढा ये वाला, साइड से बिल्कुल साइड से क्या ना, कि यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे किए गए हैं लोगों ने ताकि खजाना उन्हें मिले। पूरे का पूरा महल है, किसी भी क्षण गिर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं अपनी टीम के साथ में एक बार फिर से आप लोगों के लिए नया स्थान लेकर आ चुका हूं। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्थान पर आए जिसके बारे में आप लोगों ने अपनी किताबों में बहुत बार सुना होगा, लेकिन इतनी नजदीकी से शायद ही कभी देखा होगा। आज हम लोग आ चुके हैं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में, और यहां पर हम लोगों को मिला है एक ऐसा पॉइंट जिसका नाम है बीरबल का रंग महल, जो आप लोगों को सामने बहुत अच्छे तरीके से और पुराने स्ट्रक्चर के साथ में दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों इसका क्या इतिहास है, क्या इसके अंदर की जानकारी है, वो हम आप लोगों के समक्ष लेकर आएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को आसपास का पूरा नजारा दिखा देता हूं कि कैसा यहां का वातावरण है, क्या क्या यहां पे दिखता है। तो इस तरह जो आप देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ दूर दूर तक खेत ही खेत दिखाई देने वाले हैं। इधर भी आप देखेंगे तो खेत बने हुए हैं, और यहां पर जो ये बीरबल का रंग महल है वो इस पूरे मैदानी क्षेत्र में एकमात्र इमारत नजर आती है। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और दोस्तों एक बहुत छोटी सी बात, आप हमारी वीडियोस देखते हैं लेकिन उसमें से केवल 15% लोग हैं जो हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब करते हैं। तो भाई सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करें चैनल को भाई, अच्छी लगने पर शेयर भी कर दिया करें। मेरे साथ आप इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, वेदांश रॉय 339 मेरी आईडी है। चलिए दोस्तों अब हम अपने कुछ कदमों को इस बीरबल के रंग महल की ओर बढ़ाते हैं। यहां पर हम लोगों को इस महल से पहले काफी ज्यादा टूटा हुआ एक एरिया दिखाई दे रहा है, जिसका सिर्फ और सिर्फ बेस बचा हुआ है। स्ट्रक्चर वही पुराना है लेकिन इसके ऊपर क्या हुआ करता था उसको आज पता लगा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन सामने का जो ये हिस्सा है जिसको हम बीरबल का रंग महल कहते हैं, वो बाहर से देखने में काफ़ी ज़्यादा टूट फूट वाला दिखाई दे रहा है। बड़ी बड़ी दरारें भी आप लोगों को इस इमारत में दिखाई दे रही होंगी, और काफ़ी सारे गेट भी हैं यहाँ पर, जिससे इतना तो आइडिया लगाया जा सकता है कि अंदर का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता होगा। अब हम लोग सबसे इसके नज़दीकी भाग में जाएंगे ताकि बारीकी के साथ में उन हिस्सों को अंदर जाकर जांच पड़ताल कर सके। नज़दीक आने के बाद में हम लोगों को एक प्रॉपर रास्ता इस महल के अंदर जाने का नहीं लग रहा है। चारों तरफ घनी झाड़ियां हैं और ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई महल नहीं, शायद ये सांपों का डेरा बन चुका है यहाँ पर आज के समय में। और अभी भी हम लोगों को जो ये छोटे जीव जिनावर होते हैं उनकी आवाज़ें अच्छे तरीके से सुनाई दे रही है इस पूरे झाड़ फूस के अंदर से। तो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे जो प्रोटेक्शन है वो सांपों से बिच्छुओं से रखनी पड़ेगी। और अभी हम आगे की तरफ चल रहे हैं ताकि हमें इस महल के अंदर जाने का एक रास्ता मिल सके। देखते हैं कि कितनी झाड़ियों को क्रॉस करना है या किस दिशा से इसके अंदर हम घुस सकते हैं। ये हम इसकी दूसरी तरफ आ गए हैं, शायद यहाँ से देखने पे इसका रास्ता कोई हमें मिले। यहाँ से भी देखिए कोई रास्ता हम लोगों को इसका नहीं दिख रहा है, चारों तरफ घनी झाड़ियाँ हैं, अंदर जाने का कोई एक रास्ता नहीं है। थोड़ा इन झाड़ियों के अंदर चलते हैं, एक बार देखते हैं कि शायद हम अंदर जा सकते हैं क्या। यहाँ से देखिए ये थोड़ा सा रास्ता हम लोगों को मिला यहाँ पे, यहाँ से अंदर की तरफ बढ़ते हैं एक बार। आइए बाहर का इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, कितना प्यारा कंस्ट्रक्शन है। सीधे तौर पर पुरानी यादों को आज जोड़ रहा है हमारे सामने, पतले ईंटे चूना पत्थर का बीच में इस्तेमाल, पूरे का पूरा टूट चुका ये वाला महल। अंदर से कैसा दिखता है, और इन कांटों के बीच में से आगे जाना पड़ रहा है मेरे को। यही इसका एक रास्ता दिखा है अंदर आने का। अंदर आने के बाद में हम लोगों को देखिए इसका कितना सुंदर डिजाइन दिख रहा है ऊपर की तरफ,
और ये डायमंड की शेप इसके अंदर हिस्से में दी गई है, और इसका कक्ष है, ये कमरा बना हुआ है कि ये। इसी कमरे के राइट वाले हिस्से में इसकी सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं, और जो स्टार्टिंग की 3-4 सीढ़ियां हैं वो यहाँ पे टोटली टूट चुकी हैं। चौथी सीढ़ी सीधा ऊपर शुरू हो रही है, पहले नीचे कवर करेंगे हम लोग, फिर इसके बाद ऊपर जाएंगे, देखेंगे वहां क्या मिलता है। आइए आगे की तरफ, ये इसका दूसरा कमरा है। यहाँ की आप इस दीवार के बेस साइड लगा सकते हैं कि चौड़ी दीवार बनी है, तकरीबन 20 इंच की दीवार यहाँ दिख रही है। ये हम इसके दूसरे कमरे में कक्ष में आ गए हैं। ऊपर वाली इसका जो छत है वो टूट चुकी है, और इसके ऊपर का डिजाइन दीवारों पे आज भी रंग बिरंगे कलर आप लोग देख सकते हैं। और जब आप आगे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को दीवारों पे और भी सुंदर बेहतरीन जो कला करती है वो दिखाई देने वाली है। इस कमरे के ऊपर वाले कक्ष को देखिए आप, देखिए दीवारों में कितनी ज्यादा तरेड़े आ चुकी हैं, और ये वाला जो पूरे का पूरा महल है किसी भी क्षण गिर सकता है। हम एक बार इसके इस कमरे में चलते हैं, फिर राउंड लेके घूमेंगे सारे में। आइए, ये इसका एक तीसरा कमरा है। 2-3 कमरे हम यहाँ पे क्रॉस कर चुके हैं, इसको देखते हैं एक बार। आगे चलते हैं एक बार, देखिए इस कमरे में जब आप देखेंगे तो आपको कितनी ज्यादा टूट फूट दिखाई देने वाली है, और चारों तरफ आप लोगों को पुराने समय की यादें भी यहां पे दिख रही होंगी। ये एक बाहर जाने का रास्ता है इसका, लेकिन यहां पे झाड़ियां बहुत सारी हैं। अभी हम थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं, और यहां से देखिए इसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट आ गया ये। दोस्तों ऐसा मालूम पड़ता है कि ये वाला जो कक्ष पॉइंट है ये इसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट रहा होगा, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में बना हुआ है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को स्क्वायर फॉर्म दिखाई देगी, और चारों तरफ ऐसी आर्च यहाँ पे बनाई गई हैं हर हिस्से में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में। ऊपर की तरफ देखने पर आप लोगों को उस समय का आधा उतरा हुआ चूना प्लास्टर दिखाई देगा, उस समय की शैली आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और अभी मैं थोड़ा आपको इसके इतिहास के बारे में बताता हूँ। जब हम अपने इतिहास की किताबों को अच्छे तरीके से खंगालते हैं, जिसमें से हम शुरुआत करते हैं हरियाणा जीके की, तो इसे बीरबल का रंग महल इसलिए कहा गया है क्योंकि कुछ लेखक ऐसे हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि बीरबल का जो जन्म है वो यमुना नगर के इसी स्थान पर हुआ था। इसी वजह से इस स्थान को बीरबल की जन्मस्थली भी कहा जाता है। लेकिन बीरबल के रियल जन्म को लेकर बहुत सारे मतभेद बने हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनका जो जन्म है वो मध्य प्रदेश में हुआ था, कुछ लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये इतिहास के वो तथ्य हैं जिनके अंदर मतभेद आज से नहीं है, पहले से ही है। बीरबल नाम की शख्सियत कैसी थी इस बारे में सब लोग जानते हैं, बुद्धिमान चालाक व्यक्ति, लेकिन उनका जो रियलिटी है वो एक के बाद एक समय समय पर बदलता चला गया, एक अलग अलग हिस्से में बदलता दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन जो ASI की टीम है वो इसके बारे में कुछ और दावे करती है, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले इसके और कक्ष को मैं देखता हूँ कि कैसा दिखाई देता है। अभी हम एक बार और आगे की तरफ आते हैं, आइए आप इधर आइए। जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो सेम आप लोगों को वही कंस्ट्रक्शन, वही कमरे जैसा आपने पहले देखा था। ये देखिए, इस तरफ देखिए आप लोगों को ऊपर जाने के दूसरी पेड़े दिखाई देंगे जो हम पहले कवर कर चुके हैं, और इस तरफ वही एक कमरा बना हुआ है। देखिए मैं है ना इसके वर्तमान स्टेटस को देखकर अपनी वीडियो के हिसाब से आइडिया लगा सकता हूँ। इतने सारे द्वार इतने बड़े महल के अंदर, इस बात को इंडिकेट करता है कि शायद ये किसी समय का एक हवा महल रहा होगा। लेकिन इसका जो नाम रंग महल वो क्यों पड़ा मैं आपको बताता हूँ। जो इतिहासकार है वो इस जगह को लेकर क्या बोलते हैं कि जो अकबर थे उनके शासनकाल के नवरत्नों में से एक बहुत ज़्यादा चतुर चालाक व्यक्ति जिनका नाम था बीरबल, उन्होंने अकबर के लिए इस स्थान को बनाया था ताकि अकबर जब कभी भी अपना एक पर्सनल टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अपनी दासियों के साथ, रानियों के साथ में, या आप कह सकते हैं स्त्रियों के साथ में, तो वो इसी महल में कभी आए होंगे। यहाँ पे उन्होंने कुछ समय के लिए
रहे होंगे, इसलिए इस स्थान का दावा किया जाता है बीरबल और अकबर के समय से। लेकिन एएसआई की टीम ऐसा बोलती है कि इस स्थान को 1630 के समय बनाया गया था, जिस समय भारत के अंदर शाहजहां का शासनकाल चल रहा था, और ये शाहजहां के एक बहुत क्लोज जो उनके दरबार में काम करने वाले व्यक्ति थे उनके लिए बनाया गया था ये। लेकिन इस स्थान को आज के समय में भी बीरबल की जन्मस्थली की वजह से बीरबल के रंग महल का नाम दिया जाता है। तो इस बात की पुष्टि ना तो कोई इंटरनेट करता है ना ही कोई इतिहासकार करता है, लेकिन हमारा जो पर्पज़ है वो है कि आप लोगों को पुराने प्राचीन इतिहास के साथ रूबरू करवाना। और ये पूरे का पूरा जो खंडर है, बेशक से खंडर है लेकिन फिर भी आज के समय बड़ा ही बेहतरीन दिखाई देता है। अभी हम लोग ऊपर जाएंगे, वहां से इसको कैप्चर करेंगे। आओ फटाफट आओ।